भारतीय पर्यटकों के साथ नेपाल में लूट। नए साल पर अगर आप नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, क्योंकि नेपाल में बेलहैया से काठमांडू तक एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो न सिर्फ पर्यटकों को लूट रहा है बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ ही लड़की के व्यापार और ड्रग लेने के आरोप में जिंदगी भर नेपाल में सड़ाने की धमकी देकर लूटपाट कर रहा है। बता दें कि राजस्थान से नेपाल गए 5 भारतीय पर्यटकों को इस लूट का शिकार हुए हैं, जिन्होंने बताया कि 54,000 भारतीय मुद्रा जिसे 86,400 नेपाली मुद्रा की लूट की गई। पीड़ितों ने सोनोली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की है। अब सवाल यह है कि एक तरफ नेपाल पर्यटक विभाग भारतीय पर्यटकों को नए साल पर ढेर सारी सुविधाएं देने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में पर्यटकों के साथ लूटपाट हो रहा है और पर्यटक इसके शिकार भी हो रहे हैं। भारतीय पर्यटकों के साथ इस लूट में ना ही नेपाल पुलिस कुछ बोल रही है, ना भारत की पुलिस कुछ बोलने को तैयार है। बस आश्वासन मिल रहा है कि जांच की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत से गए नेपाल में लोग सुरक्षित नहीं है? क्या घटना हुआ सर? हम लोग काठमांडू दर्शन के लिए गए थे तो एक बंदा हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए, वहाँ से काठमांडू से 10 किलोमीटर पहले ही, और वो हमें होटल में ले गया, आपको रूम दिला दूंगा। होटल में ले जाने के बहाने हमसे ले गए और वहाँ सर हमके छोड़ के वो बंदा तो निकल गया। वहाँ 2 जने थे पहले और 5 मिनट में 10-15 जने आ गए और हमको लॉक कर दिया और मारपीट करने लगे। हमसे पैसे जो भी थे हमारे पास कैश वो उन्होंने ले लिया, नहीं दे विरोध करने पे मारपीट करने लग गए और ड्रग्स और मतलब लड़की की कैश में फंसाने की धमकी देने लग गए और कैश और मोबाइल से सारा कैश निकाल लिया सर, 24,000 रुपये और 30,000 रुपये हमारे पास कैश था वो भी ले लिया उन लोगों ने। क्या घटना हुआ आपके साथ? हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए काठमांडू के लिए निकले तो काठमांडू में होटल के लिए बंदा आया पूछने, भाई होटल मिल जाएगी आपको, रूम चाहिए क्या? रूम मिल जाएगा। तो रूम के लिए हम उनको बिठा के रूम के लिए रवाना हो गए। वहाँ गए तो बंदे ने रूम पे छोड़ दिया और वहाँ पे हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और पैसे निकाल लिए, हमारे मोबाइल से ट्रांजेक्शन करवा लिया और ड्रग्स के मामले में फंसाने की धमकी वगैरह दी और लड़की के केस में ये फंसाने की कोशिश की और मोदी बाबा और योगी बाबा को भी गाली निकाली और आपको यहाँ जीवन भर छुड़ा नहीं पाएंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? हम राजस्थान से आ रहे हैं अजमेर ज़िले से और काठमांडू पशुपति जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए घूमने जा रहे थे। वहाँ काठमांडू में प्रवेश करते ही एक लड़का आया और हमें रूम के लिए बोला और हमें रूम भी चाहिए, तो वो हमारे साथ बैठ के चले गए और रूम पे ले जाके हमारे साथ मारपीट करने लगा और हमारे पैसे छीन लिए और मोबाइल्स को छीन के मोबाइल से भी अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए और उसके बाद में हमने बोलने की कोशिश की तो मार जान से मारने की धमकी दी और लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बारे में फंसाने की भी बात कही। फिर और ज़्यादा विरोध करने पर उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे मोदी और योगी बाबा को भी देख लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हमारा। इस तरह हमारे साथ ये घटना हुई।